तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। ओ माय गुडनेस, टाइगर थ्री, टाइगर का मैसेज फाइनली आ चुका है यार। 1:43 का ये मैसेज YRF स्पाई यूनिवर्स, दिस इज टोटल 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 मैडनेस भाई। बिलीव नहीं करोगे कितना इंतजार कर रही थी मैं, कितना, 11 बजे का। और मैंने देखा दो तीन बार जब चेक किया ना, जब इस टीजर को, टीजर ही बोलेंगे अभी, टीजर को, तो मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट में 3.5-4 लाख व्यूज जो है वो कंप्लीट हो चुके थे, केवल 7 या 8 मिनट में, या उससे भी ज़्यादा हो चुके थे। क्योंकि अभी तो ना उस सेंसेस भी नहीं है वो देखने के बाद कि यार भाई यार क्या बनाया है, यार क्या बनाया है। शुरुआत होती है रिकॉर्डिंग, मैंने उसे कहा था ना कि कुछ वॉकी टॉकी हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसमें टाइगर जो है अपना मैसेज बता रहा है, क्या किसी पिछली कहानी से लेकर वो लिंक्ड है। उसका भी मुझे लग रहा था कि पिछली स्टोरी से कुछ ना कुछ लिंकेज ज़रूर है, तभी वो मैसेज जो है वो पहले की लाइनें जो है वो इसमें दिखाई जाने वाली है। पहली चीज़ ये थी। अब मैं आपसे ब्रेक डाउन करूंगी कि मुझे इस टीजर में रिएक्शन, तो आप देख चुके हो मेरा रिएक्शन, आई एम टोटली टोटली एक्साइटेड नाउ फॉर टाइगर, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा और क्या कोई कमी थी इस टीजर में कि नहीं। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी अच्छी, व्हाट ऑल आर द गुड थिंग्स अबाउट दिस। फर्स्टली द ओजी टाइगर, ओ माय गुडनेस, द वे सलमान भाईजान इज लुकिंग, आई मीन इन द कैमरा, जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, क्या डायलॉग्स हैं, क्या वेटेज है उसमें, कहानी का पहली वाली कहानी से लिंकेज जो है कि टाइगर अब अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा है। टाइगर को गद्दार क्यों ठहराया जा रहा है, ये कहानी होने वाली है इस वाली में, कि बताया जाने वाला है कि उसको गद्दार क्यों कह रहे हैं लोग। और पिछले 20 सालों की सर्विस में अविनाश सिंह राठौड़ AKA टाइगर को अब अपने डिपार्टमेंट से क्या डिमांड है, उसने बदले में कुछ नहीं मांगा, और अब वो बदले में अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा है। वो नहीं चाहता है कि उसको गद्दार बुलाया जाए, क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से किया है। तो यार ये जो पूरा का पूरा एक, जिसको कहते हैं फाउंडेशन, जिस तरीके से दिखाई गई है, और एक तरफ फिर एक सीन आता है जिसमें एक तरफ गोलियां चल रही हैं और वो बोलता है अगर जिंदा रहा तो दोबारा बात होगी वरना जय हिंद, ऐसा एक डायलॉग है। ओए यार, मतलब सीरियसली यार, सीरियसली जब ये हम देखेंगे ना बड़े पर्दे पे, मैडनेस। और सबसे बड़ी चीज़ जो OG BGM है, ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक, वही स्वैग से स्वागत वाला। आज तो पता है मैं कम से कम 10-12 बार लूप पे मैं ना ये स्वैग से स्वागत सुनने वाली हूँ 100%। मुझे ये देखने के बाद ऐसे जोश आ रहा है कि यार यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विल बी लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ऑलवेज बिजी विद दीज थिंग्स, अदर थिंग्स, बट एक ये। और ऑफकोर्स द एक्शन, YRF स्पाई यूनिवर्स पठान से भी ज़्यादा एक नॉच ऊपर लग रहा है मुझे यहाँ पर एक्शन। वो वाला जो सीक्वेंस आता है जिसमें ही जस्ट क्लाइम्स ऑन दैट व्हीकल एंड स्टार्ट्स डूइंग द एवरीवेयर, ओ माय गुडनेस, वाओ यार क्या एक्शन है पूरे में। और सलमान खान का क्या एटीट्यूड है यार, क्या स्वैग है सलमान खान का एज टाइगर, मतलब ही इज़ बॉर्न फॉर टाइगर, टाइगर का रोल, ही इज़ बॉर्न फॉर इट, ऐसा लगा देखकर मुझे। अब कुछ एक कमियां जो मुझे लगी इसमें, क्या लगी, सबसे पहली सबसे बड़ी चीज़ वो ये कि इसमें विलेन क्यों नहीं दिखाया अभी तक हमको, देखना था ना थोड़ा बहुत, तो मुझे देखना था। इमरान हाशमी सुनते आ रहे हैं, इमरान हाशमी होंगे ये, ऐसे दिखेंगे वैसे दिखेंगे, अभी तक वो कुछ नहीं है। और मुझसे पूछो क्या सीरियसली, जो हमने जिम का कैरेक्टर देखा था पठान में, अब इमरान हाशमी को उसको वन अप करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई हैं विलेन के कैरेक्टर से, क्योंकि विलेन दमदार होगा तो पिक्चर देखने में मज़ा आएगा 100%। तो आई वॉन्टेड टू सी इमरान हाशमी, आई वॉन्टेड टू सी कटरीना जो कि हमने फर्स्ट सीजन में देखा था, आई वॉन्टेड टू सी अ फ्यू मोर सपोर्टिंग कास्ट। अभी मुझे अकेले लगे टाइगर, और आई वॉन्टेड टू सी थोड़ा बहुत, पठान तो नहीं दिखाते इसमें लेकिन हाँ कुछ तो दिखता, कुछ तो छोटा मोटा सा एक हिंट दिख जाता तो यू नो मज़ा आता। लेकिन मैं जोया को देखना चाह रही थी, जोया को हमने देखा पिछले वाले टाइगर जिंदा है वाले ग्लिम्पसेस में देखा, और वो बहुत बहुत इमोशनल सीन है जिसमें कहते हैं मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, एंड देन वो वाला सीन दिखाया जाता है। एक्सीलेंट एडिटिंग इसमें की गई है। और एक सबसे बड़ी कमी यार, डेट कहाँ है, डेट क्यों नहीं बताई, दिवाली सब लोग कह रहे हैं, कोई अपडेट में कंफ्यूजन जो चल रहा है वो क्या 10 तारीख को आएगी या 13 को आएगी, 13 का एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कई लोगों ने कह दिया 13 को आएगी, 13th of November को आएगी, 10th of November होनी चाहिए डेट मेरे हिसाब से। और बाकी तो मतलब आई जस्ट वॉन्टेड टू सी मोर ऑफ द एंटायर एनसेंबल ऑफ द कास्ट, थोड़ा थोड़ा कुछ और दिखाते, लेकिन मैं इस वक्त तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था यार कब से, जब से वो वाला देखा था सीन लास्ट ईयर वाला, तब से अब तक, ओ यार चलो, बट स्टिल आई एम वेरी एक्साइटेड। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान से और देखा जाएगा, एनालिसिस एंड व्यू काउंट्स को काउंट किया जाएगा,
वो सब मैं आपसे टाइम बाय टाइम शेयर करती रहूंगी. कैसा लगा आपको टाइगर का ये टीजर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग.